तो हेलो गाइस, मैं मानस आप सभी का हमारे नए वीडियो में वेलकम करता हूं। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 लैपटॉप्स जो कि आते हैं अंडर ₹50,000 के बजट सेगमेंट में, जो कि आपको यूज़फुल हो सकता है आपकी गेमिंग के लिए, आपके वर्क के लिए और भी आपके सारे यूजेस के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको किसी भी लैपटॉप की एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जो लैपटॉप 5th नंबर पर आया था उस लैपटॉप का नाम है आसूस वीवो बुक 14, जिसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले जो कि FHD होगी। इसके अलावा आपको इसमें इंटेल कोर i5 10th जनरेशन 1035G1 प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें 8GB की रैम मिलेगी जो कि डुअल चैनल होगी और DDR4 होगी, मतलब 4GB की दो रैम होगी। और गाइस, इसमें आपको स्टोरेज मिलेगी 1TB की जो कि एक HDD के फॉर्म में होगी, मतलब इंटरनल हार्ड डिस्क होगी वो। गाइस, इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंटेल के USD ग्राफिक्स मिलेंगे। और गाइस, इसमें एक खास बात है कि इसका जो टच पैड है उसके अंदर आपको एक कॉर्नर पे फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा। और गाइस, इसके वेट की बात करें तो इसका वेट है अराउंड 1.86 kg। और गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 46,000 की प्राइस में मिलेगा। गाइस, जो 4th नंबर पर आता है उस लैपटॉप का नाम है आसूस वीवो बुक 15। इसके पहले हमने 14 देखा, अब इसका बड़ा भाई 15। तो गाइस, इस लैपटॉप में आपको मिलेगी 15.6 इंच की डिस्प्ले जो कि FHD होगी। इसमें भी आपको वही प्रोसेसर i5 इंटेल की तरफ से आने वाला 10th जनरेशन प्रोसेसर 1035G1। इसके अलावा आपको इसमें भी 8GB की DDR4 रैम, 1TB की HDD और इंटेल इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स, और इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा। गाइस, इसका भी वेट लगभग सेम है 1.86 kg। गाइस, इसकी प्राइस बस थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी और ब्रॉडर है। तो गाइस, इसकी प्राइस आपको अराउंड 48,000 मिलेगी। सो गाइस, जो 3rd नंबर पर लैपटॉप आता है उस लैपटॉप का नाम है अविएटा लाइबर V14। तो गाइस, इस लैपटॉप में आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक FHD डिस्प्ले होगा। गाइस, इसमें आपको राइजन 7 3700U प्रोसेसर मिलेगा। गाइस, इसमें आपको 8GB रैम जो कि DDR4 बेस्ड होगी, और आपको इसमें HDD नहीं मिलेगी, आपको इसमें सिर्फ SSD मिलेगी जो कि होगी 512GB की। गाइस, इसमें भी आपको अपने टच पैड के कॉर्नर पे फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा। इसमें आपको रेडियन RX वेगा 10 ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इसका वेट होगा अराउंड 1.25 kg। गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 47,000 मिलेगा। सो गाइस, जो 2nd लैपटॉप आता है वो आता है HP की तरफ से, HP पेवेलियन गेमिंग, जिसमें आपको 15.5 इंच का FHD डिस्प्ले मिलेगा। गाइस, इसमें आपको राइजन 5 क्वाड कोर 3550H प्रोसेसर मिलेगा। इसमें आपको 8GB DDR4 रैम मिलेगी। इसमें आपको HDD मिलेगी जो कि होगी 1TB की। गाइस, इसमें आपको 4GB की ग्राफिक मेमोरी मिलेगी जो होगी NVIDIA GeForce GTX 1650 की। गाइस, इसका जो वेट होगा वो होगा अराउंड 2.04 kg। गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस स्लाइटली हायर है 50,000 से, बट अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो ये मतलब एक गेमिंग के लिए अच्छा खासा लैपटॉप हो सकता है आपके लिए। गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस होगी अराउंड 52,000। सो गाइस, फर्स्ट लैपटॉप का नाम जानने से पहले आप जल्दी से जल्दी कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहे। तो गाइस, फर्स्ट लैपटॉप का नाम है वो है एसर एस्पायर 7। तो गाइस, इसमें आपको मिलेगी 15.6 इंच की FHD डिस्प्ले। गाइस, इसमें आपको मिलेगा राइजन 5 3500H प्रोसेसर। गाइस, इसमें आपको मिलेगा 8GB DDR4 रैम। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगी सिर्फ SSD जो कि होगी 512GB की। गाइस, इसमें आपको 4GB की ग्राफिक मेमोरी मिलेगी जो कि होगी NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti की। गाइस, इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है अराउंड 2.15 kg। गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी भी प्राइस थोड़ी सी हायर है 50 से, बाकी अगर आप इसको भी परचेज़ करते हो तो ये भी आपको वर्थ इट होगा। सो गाइस, इसकी प्राइस है 52,000।
अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करोगे तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला लैपटॉप मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से लैपटॉप बेहतर हो सकते हैं आपके लिए अंडर ₹50,000। अगर आपको लैपटॉप की किसी स्पेसिफिक डिटेल के बारे में जानना है या कोई और कंपोनेंट या कोई और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं उसे पढ़ के उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय।